तो कैसे हो भाई लोग, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका एनकेएम 47 ब्लॉग में। और दोस्तों आज हमें मदनपुर खादर गांव पे, और मदनपुर खादर गांव पे दोस्तों जो हमारा ये ओवरब्रिज बन रहा है आगरा नहर के ऊपर, तो इसका काम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। जैसा कि आपने अपनी मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर जो है बीच में जो स्ट्रक्चर ये बनाया जाता है, ये टेम्परेरी डैम बनाया जाता है, ये डैम का काम पूरा हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर से पानी निकाल कर उसके अंदर ये डस्ट की फिल की जाएगी, वो डस्ट भी फिल हो चुका है आज। और इसके अंदर जो दोस्तों पहली बोरिंग होनी थी, पहली बोरिंग भी हो चुकी है। और इसके अंदर दोस्तों जो पूरा स्ट्रक्चर नीचे का ये बेस बनाना है, उसका काम काफ़ी तेज़ी में चालू। तो आप सामने देख सकते हैं जो सरिया का पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाया जा चुका है, और अब उस स्ट्रक्चर को इसके अंदर डालना है। और स्ट्रक्चर डालने के बाद दोस्तों जो इसके अंदर हमारा कॉन्क्रीट और सीमेंट का मसाला बना के डालना चाहता है वो डाला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा मेन पिलर का काम चालू होगा, पिलर का काम स्टार्ट होगा। तो मैं आपको थोड़ा इसकी हाइट से दिखाता हूँ चारों साइड की, इसका क्या पूरा नज़ारा है मैं दिखाता हूँ एक बार। तो अभी आपने देखा होगा दोस्तों हाइट से कि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये हमारा ओवरब्रिज बनकर तैयार नहीं हो जाता। ये ओवरब्रिज दोस्तों ये हमारा आगरा कैनल ब्रिज है, इसके रिप्लेसमेंट में बन रहा है। अभी ये कुछ दिनों बाद ये आगरा ब्रिज का, ये आगरा कैनल ब्रिज है ये बंद हो जाएगा, और उसके बदले में यहाँ पर एक नया ओवरब्रिज बन जाएगा। और जब ये ओवरब्रिज बन जाएगा दोस्तों, उसी के साथ साथ हमारा ये दूसरा काम यहाँ पर चालू हो, फ्लाईओवर का काम। दोस्तों आपको पहला पिलर नज़र आ रहा होगा, इस साइड भी एक पिलर बनाकर रोक दिया गया करीब 1-1.5 महीने से। उसके बाद दोस्तों अभी काफ़ी और जो काम चल रहा है वो इस साइड चल रहा है, जो आपको सामने नीले कलर की ये फ्रेम नज़र आ रही होगी उस साइड से हमारा पिलर बनते हुए आ रहा है। ये हमारा पिलर, ये जो हमारा एक्सप्रेसवे आ रहा है, ये DND की साइड से आता है, और ये ऐसे यहाँ से सीधे आपको ये आगरा नहर पार करते हुए ऐसे इस साइड से होते हुए ये हमारा फरीदाबाद पल्ला की साइड चला जाएगा। और जब ये दोस्तों ये ओवरब्रिज बनने के बाद दोस्तों मेन काम जो है इसका होगा, और इसका भी जो काम दोस्तों काफ़ी तेज़ी में चल रहा है। ये मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये जो इधर मिट्टी की फिलिंग की जा रही है, ये पूरा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसकी मिट्टी की फिलिंग की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा।